हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगस्त्य जी के क्लासेस। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जो आपका पर्सनल असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, DSSSB ने कंडक्ट कराया था, कब? 27 नवंबर 2021 को। उसका जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था पर्सनल असिस्टेंट का, उसके जी के सेक्शन जो कि टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो आपको एक तरीके से गैस लग जाएगा कि पेपर में किस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन देखिए हमारा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अनाउंस्ड मथ्रू भूमि स्कीम्स इन सितंबर 2021। देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम का, तो आपका किस स्टेट ने लॉन्च की थी ये स्कीम, या आपके उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की थी। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद चंपारण सत्याग्रह। देखिए, चंपारण सत्याग्रह आपका हुआ कब था? 1917 में हुआ था। और कौन कौन, मतलब इस सत्याग्रह से जो आपके हाईलाइटेड मेंबर्स तो लीडर्स थे, वो कौन कौन थे? देखिए, राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी जी। आफ्टर द 1857 रिवोल्ट, बहादुर शाह जाफर एंड हिज सन्स वर अरेस्टेड बाय। देखिए, किसने अरेस्ट किया था इनको? कैप्टन हुडसन ने। किसने? कैप्टन हुडसन ने। कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। बालर डांस ऑफ राजस्थान इज अ ब्यूटिफुल एंड एंथुजियास्टिक ट्राइबल डांस फॉर्म परफॉर्म बाय पर्टिकुलरली बाय द वुमेन ऑफ गराशिया ट्राइब। ठीक है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन अपने आप में। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द इंडिया 72 ग्रैंड मास्टर ऑफ चेस। कौन बने हैं आपके? मित्रभा गुहा। और आपको ये भी पता होना चाहिए, एट प्रेजेंट 73rd ग्रैंड मास्टर ऑफ चेस कौन है? वो आपके हैं बोरात सुब्रमण्यम। कौन है? बोरात सुब्रमण्यम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निसार हुसैन खान, राशिद खान आर टू प्रोमिनेंट म्यूजिशियन ऑफ रीसेंट टाइम्स बिलोंगिंग टू रामपुर सिहासवान घराना से बिलोंग करते हैं। कौन कौन? ये जो आपके निसार हुसैन खान है और राशिद खान है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु इज अ सदर्न इंडिया हैज ग्रोन आउट ऑफ आर्ट्स ऑफ डांसर डेडिकेटेड टू टेम्पल्स वॉज अर्लियर नोन एज सादिर। ठीक है, सादिर। काफ़ी यूनिक क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्टेड द ग्रामीण ओलंपिक स्कीम ऑन नवंबर 14, 2021? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इसका सही आंसर है। पेपर कब हुआ है? 27 नवंबर 2021 को। और करंट अफेयर्स कब का पूछ लिया गया है? 24 नवंबर 2021 का। व्हाट वाज द एज ऑफ बाबर व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फिरगना। उस टाइम देखिए एज क्या थी बाबर की? 12 साल। इन 2021 लेजेंडरी सिंगर एस बी बालासुब्रमण्यम वॉज पोस्टमसली हॉनर्ड विद द पद्म विभूषण। देखिए, आप सभी को पता तो होगा कि भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन आपका अवार्ड है, उसके बाद कौन सा आता है बताइए? फिर आता है आपका पद्म विभूषण, फिर कौन सा आता है आपका? पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। वास्को डी गामा पोर्टुगीज ट्रेवलर डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी इंडिया में? 1600 में। विच केव्स वर बिल्ट इन द 3rd century BCE ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड इन बिहार। देखिए, कौन सी केव्स बनी थी आपकी? बाराबार केव्स। आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि बाराबार केव्स आपकी है कहाँ पे? ये बिहार में है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकेम द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू एक्सेप्ट अ बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। तो देखिए, एल सेल्वाडोर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने वाली एज अ लीगल टेंडर कौन सी पहली कंट्री बनी है? एल सेल्वाडोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान इन द पावर सेक्टर। देखिए, कौन सी स्टेट बनी है आपकी? ये तो ये मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज मकारा विलक्कु फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द सबरीमाला टेम्पल। देखिए, सबरीमाला टेम्पल ही आपको पता होना चाहिए, ये आपका केरला में है, बिल्कुल सही। और ये वही हाईलाइटेड टेम्पल है जहाँ पर आपका वुमेंस का जाना प्रोहिबिटेड है। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पटना मिट्टा डिस्ट्रिक्ट में है। व्हेन डिड महात्मा गांधी बिगिन वॉकिंग फ्रॉम हिज आश्रम एट साबरमती टुवर्ड्स द ओशन फॉर सेल्ट मार्च। तो देखिए, कब शुरुआत हुई थी सेल्ट मार्च की? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और डांडी मार्च जो आपका चला था, ऑलमोस्ट कितने दिन के लिए चला था ये भी आपको याद होना चाहिए, 24 दिन के लिए चला था। ठीक है, और टोटल कितने किलोमीटर चले थे महात्मा गांधी और उनका जो साथी के जो लोग थे, टोटल कितने थे वो लोग? 78 वॉलंटियर्स थे। 385 किलोमीटर। कितना? 385 किलोमीटर चले थे। गांधी जी से रिलेटेड ऑलमोस्ट काफ़ी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से वो आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग फोर डांस इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सिक्किम। देखिए सिक्किम से जो आपका बिलोंग करता है स्टेट डांस वो आपका है ताशी शब्दो। हम्पी फेस्टिवल विच इज ऑल्सो नॉन एज विजय उत्सव इज अ फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग एज द बर्थडे ऑफ एंशियंट पॉइंट। क्या नाम है? पुरंदरा दास। क्या नाम है? पुरंदरा दास। वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ उस्ताद विच इज़ एन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अपग्रेडिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट्स एंड डेवलपमेंट। बुरहान उल मुल्क शाह आदत खान वॉज अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ अवध इन 1722। बहुत ही ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं किसी को भी इसका आंसर आए। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियंस एट द बर्थ इन 2019 वॉज 69.7 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड द परसेंटेज ऑफ इट्स पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। देखिए महाराष्ट्र है 9.29% के साथ। इन द यूनियन बजट 2021-22 इट इज़ अनाउंस दैट द गवर्नमेंट विल अमेंड द इंश्योरेंस एक्ट 1938 टू इंक्रीज द परमिसेबल FDI लिमिट फ्रॉम 49% to 74%। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द रिवर सोलर प्रोजेक्ट लोकेटेड। देखिए कहाँ पे आपका रिवर सोलर प्रोजेक्ट, ये आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इन विच कंट्री विल द 24th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP27 टू द UNFCCC टेक प्लेस। देखिए कहाँ पे होगा आपका बताइए, ये आपका इजिप्ट में होगा। आपको इसके फुल फॉर्म पता है UNFCCC की? देखिए इसके जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ नो डबल जुबाड़ी। देखिए इसका कौन सा है कन्विक्शन से रिलेटेड? देखिए आर्टिकल 20 है। सही आंसर क्या है? आर्टिकल 20। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके उसका खंडन नहीं कर दिया था, उसे बता देते कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल नल वैलिड कर दिया था। तो उसका सही आंसर क्या है? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए किसको किया था वो जो आपका अमेंडमेंट एक्ट था वो था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से रिलेटेड। इन विच स्टेट इज द घुघुआ और घुघुआ फॉसिल पार्क लोकेटेड? ये आपका कहाँ पे है? MP में है, मध्य प्रदेश में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टेक्नोलॉजी एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल? सही आंसर क्या है? लेजर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू विच इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन इन इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6th to 14th ईयर। क्या आपको पता है कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब पास हुई थी? 2002 में। विच स्टेट इज द ओनली मरीन गेटवे बिटवीन द ICE आर्टिक एंड द पैसिफिक ओशन लोकेटेड बिटवीन अलास्का एंड रशिया? देखिए नॉर्थ अमेरिका और रशिया के बीच में कौन सा स्टेट है वो इसका आंसर है बेरिंग स्ट्रेट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ईयर वॉज द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कमीशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेटअप एज स्टेटरी कॉरपोरेशन फॉर प्रोवाइडिंग मीडियम एज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द इंडस्ट्री? इसका सही आंसर क्या है? 1948। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? आंसर क्या है? Fe, जो कि आयरन है आपका, ठीक है। और आपका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए आयरन का, वो क्या है? 26। डी ब्लॉक एलिमेंट आपके क्या होते हैं जो कि आपके 3 से लेकर 12 ग्रुप के बीच में होते हैं पीरियोडिक टेबल में। इनको और क्या कहा जाता है? इनको आपका ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ इज 1 मीटर 1 डियोप्टर। व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी यूजिंग द बजटरी इंस्ट्रूमेंट टू इधर रेज स्पेंडिंग और कट टैक्सेस इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी पॉलिसी। क्या कहते हैं? एक्सपेंशनरी पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लिटरेसी रेट लेस देन 70%। देखिए बिहार ही है लिस्ट और लिटरेसी रेट वाला, मैक्सिमम किसका है आपका? केरला का।
विद द रेफरेंस ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द हिस्टोरिक डांडी मार्च अंडरटेकन बाय महात्मा गांधी अलॉन्ग विद हिज फॉलोअर्स इन 1930। देखिए डिस्टेंस के बारे में भी पूछ लिया गया, जैसे कि मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किया था, तो 18,385 किलोमीटर है। चले थे कितने लोगों के साथ चले थे ये भी आपको पता होना चाहिए, बताइए। 78 वॉलेंटियर्स थे। कितने दिन तक चले थे? 24 डेज के लिए चले थे। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन ब्लड कोटिंग एंड बोन हीलिंग। देखिए चोट को या फिर घाव को भरने के लिए कौन सा विटामिन काम आता है? विटामिन के। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2021 and 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द इनकम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल रहता है गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एज अ सोर्स बनता है इनकम का, तो क्या होता है? बोरिंग और अदर लाइबिलिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क ऑफ लॉन्ग फाइबर्स दैट मेकअप सेल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। देखो क्या कहते हैं उसे? साइटोस्केलेटन। क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। तो देखिए यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली कवर हो चुके हैं आपके पर्सनल असिस्टेंट के 27 नवंबर के शिफ्ट फर्स्ट के, और जो इसके एक दो शिफ्ट और रह रखी है मैं आपको उनको भी जीके कवर करा दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अपकमिंग DSSB एग्जाम्स के लिए। अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।